हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस और टर्मिनल सर्विसेज। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे एक यूज़र रिमोटली सर्वर से कनेक्ट हो सकता है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज एंड टर्मिनल सर्विसेज, देन सर्वर रोल्स क्या क्या होते हैं RDS में, RDS रोल्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, एंड फिर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज को कैसे बेसिकली इंस्टॉल करते हैं। सो बेसिकली RDS या टर्मिनल सर्विसेज क्या होता है? टर्मिनल सर्विसेज और RDS allows user to access centralized applications and workstations in the data center remotely। इसका मतलब जो डेटा सेंटर है वहाँ जो एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, जो वर्कस्टेशंस हैं, सर्वर्स हैं, उनको जो यूज़र्स हैं वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग विद सर्वर 2008 R2 टर्मिनल सर्विस हैज़ बीन रीनेम्ड टू रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। बेसिकली दोनों सेम हैं, टर्मिनल सर्विसेज या RDS दोनों सेम हैं। विंडोज़ 2003 में इसे हम टर्मिनल सर्विस कहते थे, एंड विंडोज़ 2008 में ये रिमोट डेस्कटॉप सर्विस कहलाती हैं। तो RDS जो होता है ये डोमेन और वर्क ग्रुप दोनों में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और टर्मिनल सर्विस और RDS के माध्यम से हम क्लाइंट मशीन जैसे कि विंडोज 7 या 10 से रिमोट सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि इसमें फिगर में शो किया गया है। क्लाइंट मशीन से थ्रू इंटरनेट रिमोट सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। RDS allows you to have a powerful server that all your users connect to using the remote desktop protocol. Connection के लिए जो protocol use होता है वो remote desktop protocol कहलाता है। User can remote into the server using the remote desktop connection manager included in Windows. इसके लिए Windows में एक जो है remote desktop connection manager होता है, जो GUI interface provide कराता है, तो उसके through users जो है server से connect होते हैं। तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का इसमें बेसिकली यूज़ होता है, और उसके साथ साथ टर्मिनल एमुलेशन कॉन्सेप्ट भी होता है। टर्मिनल एमुलेशन कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि वी कैन यूज़ हार्डवेयर ऑफ रिमोट मशीन। सो नॉट ओनली एप्लीकेशंस, ना सिर्फ के वो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स जो कि सर्वर में रन कर रहे हैं, बल्कि यूज़र उसका हार्डवेयर भी यूज़ कर सकता है। कैसे? रिमोटली, फिजिकली प्रेजेंट हुए बिना। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स एक ही समय पे रिमोट सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़र्स के लिए डिफरेंट सेशंस क्रिएट किए जाते हैं, और उसको अपना यूज़र डेस्कटॉप अवेलेबल होता है। यानी कि जो डिफरेंट यूज़र्स जो उसमें लॉगिन करेंगे रिमोटली, उनके को एक अपना एनवायरनमेंट दिया जाएगा, अपना एक डेस्कटॉप उनके लिए अवेलेबल होता है, जिससे कि उनको ये लगता है कि वही उसको यूज़ कर रहे हैं। उनको नहीं पता होता कि एट ए टाइम कितने यूज़र्स जो है सर्वर को से लॉगिन है या उसको यूज़ कर रहे हैं। दे आर कम्प्लीटली अनअवेयर इन दैट सिनेरियो। अब देखते हैं कि सर्वर रोल्स क्या क्या होते हैं। सर्वर रोल्स इन RDS दो तरीके के रोल्स होते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं हम। एक होते हैं कोर रोल्स और दूसरे होते हैं कुछ एडिशनल रोल्स। तो बेसिकली यहाँ से थ्री कोर रोल्स होते हैं RDS एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए, जो कि है रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ब्रोकर और रिमोट डेस्कटॉप वेब एक्सेस। आप फिगर में देख सकते हैं RDSH, RD, CB जो बीच में दिया हुआ है सेंटर में, एंड RDWA जिससे रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। तो देखते हैं इन रोल्स का क्या क्या यूज़ है। तो जो RDSH होता है इसमें एप्लीकेशंस होती हैं, बेसिकली ये होता है रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट। तो वो सेशंस जो एप्लीकेशन होती हैं उनका वो सेशन होस्ट सर्वर पे इंस्टॉल होती हैं, ठीक है, और वहीं से पब्लिश होती हैं। सेकेंड है हमारा RDCP। RDCP में इस रोल में बेसिकली यूज़र सेशंस को हैंडल करता है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशंस होंगी उनके जो सेशंस वो सेशन होस्ट सर्वर पर इंस्टॉल होंगी, और RDCP सेशंस को हैंडल करेगा बेसिकली कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्शन के लिए। RDSH सर्वर की लोड बैलेंसिंग करता है RDCP जो होता है,
और अगर कोई यूज़र डिसकनेक्ट हो जाता है तो उसे रिकनेक्ट करना सेम सेशन में, जिससे कि दोबारा से सेशन क्रिएट ना करना पड़े। ये सब पॉसिबल होता है इसके थ्रू। एंड तो बेसिकली ये है कि सेशन का कनेक्शन मैनेजमेंट इसका प्रमुख कार्य है। थर्ड है आपका RDWA, रिमोट डेस्कटॉप वेब एक्सेस। इसमें आपको वेब पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है, तो वेब पोर्टल का GUI मिलेगा आपको, तो RDS एनवायरनमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो बेसिकली एक तरीके से ये एंट्री पॉइंट हो गया आपका। सबसे पहले वेब पोर्टल के थ्रू आप एक्सेस करेंगे RDS एनवायरनमेंट को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जो एडिशनल रोल्स हैं कोर 3 कोर रोल्स के अलावा। कुछ एडिशनल रोल्स होते हैं, उनमें आते हैं रिमोट डेस्कटॉप गेटवे, रिमोट डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन होस्ट एंड लाइसेंसिंग। तो रिमोट डेस्कटॉप गेटवे में क्या होता है, बेसिकली इसमें रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए RDS एनवायरनमेंट एक्सेस करने के लिए एंट्री पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी बेसिकली एंट्री पॉइंट की तरह से वर्क करता है। देख सकते हैं आप, जो रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट है वो RDG से कनेक्टेड है डायरेक्टली। यहाँ से आप रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करेंगे RDS एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट है आपका रिमोट डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन होस्ट RDVH। इसमें RDS और हाइपरवाइज़र का इंटीग्रेशन होता है। हाइपरवाइज़र विंडोज़ सर्वर में का वर्चुअलाइजेशन टूल है, जो कि वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, जिससे कि वर्चुअल डेस्कटॉप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका इसमें लाइसेंसिंग। तो RDS बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपको 120 डेज का ट्रायल पीरियड देता है। उसके बाद RDS को यूज़ करने के लिए लाइसेंस लेना होता है। तो यह रोल बेसिकली लाइसेंस हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि RDS रोल्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। व्हेन सेटिंग अप RDS, यू हैव द ऑप्शन ऑफ रनिंग द 3 कोर रोल्स रन ऑन ए सिंगल सर्वर और सेपरेट ईच रोल ऑन टू इट्स ओन सर्वर। तो जब आप RDS सेटअप करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो यह है कि आप तीनों रोल्स, जो कोर रोल्स हैं, उसको एक ही सर्वर पे इंस्टॉल कर लें। दूसरा ऑप्शन होता है कि तीनों रोल्स के लिए अलग अलग सर्वर बनाया जाता है। तो बेसिकली अगर आपका सेटअप एक स्मॉल सेटअप है, फॉर एग्जांपल एक लैब या स्मॉल ऑफिस के लिए RDS आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो तीनों कोर रोल्स एक ही सर्वर में इंस्टॉल किए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के लिए सेपरेट रोल्स सेपरेट सर्वर में इंस्टॉल करने चाहिए। नो मैटर वॉट विच सेटअप यू पिक, दे बोथ कैन स्केल आउटवर्ड डिपेंडिंग ऑन यूज़र ग्रोथ। तो कोई भी सेटअप आप अगर चूज़ करते हैं अगर, तो दोनों ही केस में इट डजेंट मैटर कि कौन सा आप सेटअप ले रहे हैं, एंड इसको हम फ्यूचर में यूज़र जो है ग्रोथ के अकॉर्डिंग स्केल किया जा सकता है। इट मीन्स ये स्केलेबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि टू इंस्टॉल RDS रोल्स, कैसे RDS रोल्स इंस्टॉल होते हैं, उसका स्टेप है। ओपन सर्वर मैनेजर, देन क्लिक मैनेजर एंड ऐड रोल्स एंड फीचर्स में हम जाएंगे। ये एक जो है वन लाइन स्टार्टिंग स्टेप है। इसके बाद देखते हैं कि RDS को RDS यानी रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अलाउ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो हमें सबसे पहले रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को अलाउ करना होगा। उसके लिए माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ में जाके रिमोट टैब में आप अलाउ या इनेबल पे क्लिक करेंगे। ओके, देन क्लाइंट्स मशीन पे क्या करेंगे, रन करेंगे MS TSC। MS TSC होता है माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल सर्विस क्लाइंट, ठीक है। तो रन पे जाके MS TSC आप टाइप करेंगे, कमांड है। इसको रन करते ही जो GUI होता है, जो कनेक्शन प्रोवाइड कराता है रिमोट डेस्कटॉप से, वो ओपन हो जाता है। तो ये था आपका सेटिंग क्लाइंट साइड का। तो बाय डिफ़ॉल्ट देयर इज़ ओनली वन सेशन इज पॉसिबल। तो जो डिफ़ॉल्ट अगर जो इंस्टॉलेशन किया होता है RDS का रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज का विंडोज सर्वर में, तो उसमें एक ही सेशन पॉसिबल होता है। तो इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, टर्मिनल सर्वर पर जाते हैं, प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, देन रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, देन रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके क्या करते हैं, अनचेक कर देते हैं रेस्ट्रिक्ट ईच यूज़र टू सिंगल सेशन को। तो इस तरीके से ये रेस्ट्रिक्शन हम रिमूव कर सकते हैं। एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब देखते हैं इंस्टॉलिंग रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज के कुछ और पॉइंट्स।
to use unlimited concurrent connections we have to install terminal services manually. तो अभी हमने देखा कि जो there is a restriction थी कि at a time एक user एक ही session use कर सकता है और number of users में भी जो by default जो already RDS होती है service उसमें 3 users can connect concurrent connection तो ये limit होती है. तो उस limit को आपको अगर remove करना है तो आपको terminal services manually install करनी होती है. तो in that case no limit for concurrent connections, license is required within 120 days. तो 120 days के अंदर आपको license requirement होती है and it is used to provide application server to the users और users उसके through आप जो है application server को use कर सकते हैं. अब देखते हैं कि Windows 2003 and 8 में कैसे हम RDS को install करते हैं terminal services या RDS को. तो Windows 2003 में हम terminal services कहते हैं सर. तो इसमें हम जाएंगे control panel then add remove programs, add remove Windows components, then select terminal services, next finish and restart. इसके बाद देखते हैं Windows 2008 में क्या करते हैं. इसमें open करेंगे server manager को then roles, उसके बाद add roles, select remote desktop service, then select remote desktop session host, next install and restart. कुछ भी जब आप install करते हैं servers के case में तो restart करना ज़रूरी होता है. By default user cannot connect to terminal server. तो by default क्या होता है कि user terminal server को connect नहीं कर सकता. तो इस restriction को भी remove करने के steps यहाँ दिए गए हैं. तो first of all add user in remote desktop users built-in group. तो सबसे पहले remote desktop users का जो built-in group है उसमें आप user को add करेंगे. then ये restriction basically इसलिए होती है कि कोई भी user जो है remotely server को access ना करें. administrator जिसको चाहेगा उसको allow करेगा. step 2 then terminal server पे जाएंगे then program administrative tools remote desktop service remote desktop session host configuration then rdptcp की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, सिक्योरिटी टैब, देन ऐड यूज़र ग्रुप एंड सेलेक्ट परमिशंस. ओके, ऐड यूज़र इन ग्रुप से आप पर्टिकुलर यूज़र या ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक करेंगे उस पर, देन परमिशंस उसको ग्रांट कर दी जाएंगी. स्टेप 3 ऐड यूज़र और ग्रुप इन अलाउ लॉग ऑन लोकली रिमोट डेस्कटॉप सर्विस एंड देन फाइनली हम रन करेंगे क्या जीपी अपडेट. तो ये स्टेप्स हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले ओपन द सर्वर मैनेजर एंड राइट क्लिक ऑन रोल्स, सेलेक्ट ऐड रोल्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. फर्स्ट इमेज में राइट साइड आप देखेंगे आपने सर्वर मैनेजर को ओपन किया, रोल्स पे क्लिक किया, देन उसके बाद ऐड रोल्स, देन क्या होगा सेलेक्ट रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज एंड क्लिक नेक्स्ट. ऐड रोल्स के बाद जो स्क्रीन आएगी उसमें आप सेलेक्ट डेस्कटॉप सर्विसेज को सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट को क्लिक करेंगे. नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी पेज. ऑन रोल सर्विस पेज सेलेक्ट द रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट एज वेल एज रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंसिंग सर्विस एंड देन क्लिक नेक्स्ट. जो ये पेज है नेक्स्ट आया आपका रोल सर्विसेज पे, आप रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंसिंग और उसके बाद फिर नेक्स्ट को क्लिक करेंगे. तो एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी पेज क्या होता है, ये आपको बताता है कि किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले सेशन होस्ट को इंस्टॉल करना चाहिए. जैसे कि रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट को आपने क्लिक किया है तो जस्ट क्लिक नेक्स्ट बिकॉज अभी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुई है. तो नेक्स्ट ये ऐप से नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछेगा. तो ऑथेंटिकेशन मेथड तो क्लिक ऑन रिक्वायर नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन. इसमें आप नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन को सेलेक्ट करेंगे जो है और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे. ऑन क्लिकिंग नेक्स्ट देर इज़ लाइसेंसिंग मोड. इसमें हम लाइसेंसिंग मोड को सेलेक्ट करते हैं.
तो दो तरीके के लाइसेंसिंग मोड होते हैं, RDS पर यूज़र कॉल एंड RDS पर डिवाइस कॉल। RDS पर यूज़र कॉल, दिस मीन्स दैट एवरी यूज़र दैट कनेक्ट्स टू द RDS मस्ट हैव ए लाइसेंस। इसमें क्या होता है कि यूज़र्स को लाइसेंस मतलब असाइन होता है, लाइसेंस जो मिलता है वो यूज़र्स को मिलता है, डिवाइस को नहीं होता। तो यूज़र जो होता है इसमें उसके पास लाइसेंस होता है और वो किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकता है, उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिए, मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट कर सकता है या किसी कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर सकता है। तो डिवाइस के लिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है यूज़र के पास। सेकेंड वाला जो है RDS पर डिवाइस, इसमें क्या होता है, यूज़र शेयर ए कॉमन वर्क स्टेशन, दिस इज़ द मोड फॉर यू, द लाइसेंस इज़ गिवन टू द डिवाइस रेदर देन द यूज़र्स। तो ऑफिसेज में बेसिकली अगर यूज़र्स जो हैं वो कॉमन वर्क स्टेशन शेयर करते हैं, तो बेसिकली अगर आप ये चाहते हैं कि वो वहीं ऑफिस से ही उसको एक्सेस कर सके किसी दूसरे लोकेशन पे जो सर्वर है, ठीक है, तो उस केस में ये वाला लाइसेंस होता है। इसमें जो होता है पर डिवाइस लाइसेंस होता है, ना कि यूज़र का। तो वो डिवाइस, वो पर्टिकुलर PC या वो पर्टिकुलर लैपटॉप जो कि लाइसेंस है जिसके पास इनेबल है, तो उस पे वो यूज़र, कोई भी यूज़र बैठ के वर्क कर सकता है। तो यानी मोर वन यूज़र्स भी, मोर देन वन पर्सन्स भी यूजिंग सेम डिवाइस इसमें वर्क कर सकते हैं। तो ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए ये सूटेबल होता है। तो यहाँ अगर लाइसेंस अभी इंस्टॉलेशन करते वक्त नहीं है तो हम थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो है आपका कॉन्फ़िगर लेटर। तो इफ़ यू डोंट हैव लाइसेंस देन कॉन्फ़िगर लेटर, जैसे कि फिगर में मैंने सेलेक्ट किया है, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। हियर नेक्स्ट ऑप्शन इज यूज़र ग्रुप्स। नाउ यू शुड स्पेसिफाई हु कैन कनेक्ट टू द रिमोट डेस्कटॉप सर्वर। आई विल जस्ट ऐड माई यूज़र अकाउंट दैट इज सिट PC, देन क्लिक नेक्स्ट। तो इसमें आप ये स्पेसिफाई करेंगे कौन सा यूज़र RDS को यूज़ करते हुए कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ से यूज़र्स एंड ग्रुप्स का सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं आप जो है सीट PC सिलेक्टेड है यूज़र्स एंड ग्रुप्स में, एंड देन क्लिक नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद क्या आता है, क्लाइंट एक्सपीरियंस। यू आर नाउ गिवन द ऑप्शन ऑफ मेकिंग द RDS सर्वर लुक एंड एक्ट मोर लाइक Windows 7, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लाइंट एक्सपीरियंस के लिए होता है, जो क्लाइंट को जो यूज़र्स हैं उनको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि वो बिल्कुल मतलब सर्वर मोड में वर्क कर रहे हैं जैसे कि। तो जो सारी फीचर्स आपके एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, जैसे कि Windows 7 में होता है, तो वो सब अगर आप यूज़र्स को देना चाहते हैं तो उसको चेक इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो एंड वीडियो प्लेबैक, ऑडियो रिकॉर्डिंग, रिडायरेक्शन, डेस्कटॉप कंपोजिशन, तो वो सारे फीचर्स यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। आई विल इनेबल ऑल द सेटिंग्स हियर, इट रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ। अगर आप सारी सेटिंग्स को इनेबल करते हैं तो इसमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो ये चेक कर लेना चाहिए कि आप कितनी बैंडविड्थ यूज़र को प्रोवाइडेड है, क्या क्या उसको फीचर्स की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शनल है कि आप उसको चेक करें, इनेबल करें या डिसेबल करें। तो वंस यू हैव मेड योर चॉइस, जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्या है आपका, RDS लाइसेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर डिस्कवरी स्कोप फॉर RDS लाइसेंसिंग। तो विंडोज़ सर्वर 2008 के स्टेप्स हम यहाँ से देख रहे थे, तो इसके केस में हमें डिस्कवरी स्कोप की ज़रूरत नहीं होती है, तो जस्ट क्लिक नेक्स्ट, देन फाइनली यू कैन क्लिक ऑन इंस्टॉल हेयर। तो इसमें इंस्टॉल कर देंगे, तो जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है सर्वर को क्या करना चाहिए, रिबूट करना चाहिए। तो लॉगिन जब आप रिबूट करेंगे, तो जब उसके बाद लॉगिन होगा, लॉगिन में क्या होता है कि तो कॉन्फ़िगरेशंस आपकी सब कंप्लीट हो जाती हैं, अप्लाई हो जाती हैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होते हैं। दैट्स ऑल फॉर सक्सेसफुली इंस्टॉलिंग रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज हियर। थैंक यू।